गुप्त काल और हर्षवर्धन काल के बीच में हमने कुछ ऐसे राजवंशों के बारे में पढ़ा जो इन गैप के बीच में भारत में शासन किए थे, जिसमें कि हमने आपको बताया कि उत्तरगुप्त और मौखर वंश जो ऐसे थे जो उस समय ऐसी परिस्थितियों में कुछ शक्तिशाली स्थिति में थे। तो ये दोनों वंश ही चूंकि एक साथ लगभग शासन करते थे अलग अलग क्षेत्रों में, तो हमारा जो आज का टॉपिक है, जैसे कि गुप्त और वाकाटक वंश एक ही समय के या समकालीन राजवंश थे और उनके बीच क्या संबंध था, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। आज जो हमारा अध्ययन होगा वो इस पर होगा कि मौखर और उत्तर गुप्तों के बीच में क्या संबंध था। जब दो राजतंत्र शासन करते हैं तो निश्चित रूप से उनमें या तो कोई प्रेम व्यवहार का संबंध होता है या कुछ संघर्ष का संबंध होता है। तो हम आज इस टॉपिक पर जो है चर्चा करेंगे कि इन दोनों राजवंशों में क्या संबंध था। हम देखते हैं तो पाते हैं कि गुप्त साम्राज्य के ब्रिटेन के पश्चात भारत में जो शक्तियां स्वतंत्र होती हैं उनमें कन्नौज का मौखर वंश और मगध और मालवा का उत्तर गुप्त राजवंश उल्लेखनीय पाया गया है। इन दोनों राजवंशों के इतिहास के अगर हम कुछ पन्नों को पलटते हैं तो हम पाते हैं कि दोनों ही शासक गुप्त शासकों के अधीन सामंत रहे हैं, और चूंकि जिस समय वो सामंत रहे हैं उस समय दोनों में पारस्परिक मैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं। लेकिन गुप्त साम्राज्य के विघटन के पश्चात जब मौखर और उत्तर गुप्त वंश स्वतंत्र होते हैं तो उनके जो मैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं वो युद्ध में बदलते हैं, और छठी शताब्दी ईस्वी के मध्य भाग में या मध्य सत्र में उत्तर भारत की ये प्रमुख घटना होती है। प्रारंभ में मौखर और उत्तर गुप्त दोनों ही सम्राट चूंकि सामंत की स्थिति से स्वतंत्र होते हैं तो तीन पीढ़ियों तक दोनों के बीच मैत्री संबंध कायम रहते हैं। मौखर वंश का जो पहला शासक होता है हरि वर्मा होता है, और ये 510 ईस्वी के आसपास शासन करता है। इसी समय उत्तर गुप्त में जो शासक होता है वो कृष्णगुप्त होता है, और कृष्णगुप्त को ही उत्तर गुप्त वंश का संस्थापक शासक माना गया है। तो हमने बताया कि इस समय के आसपास गुप्त शासन पतोन्मुख होता है या पतन की तरफ होता है, और इस समय इन दोनों शासकों ने जब स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास किया तो हमने ये बताया कि वो दोनों सामंत थे, तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ाने में सहयोग करते हैं। कौन? हरिवर्मा और कृष्णगुप्त दोनों एक दूसरे के शासन को बढ़ाने में सहयोग करते हैं जिससे कि वो सामंत की स्थिति से आगे बढ़ सके। असीरगढ़ का जो लेख है उससे पता चलता है कि हर्षगुप्ता जो कि उत्तर गुप्त नरेश कृष्णगुप्त की कन्या थी उसका विवाह मौखर शासक हरिवर्मा के पुत्र आदित्य वर्मा के साथ होता है। इसकी जो पुत्री होती है हर्ष गुप्ता होती है, और इसका जो विवाह होता है वो हरिवर्मा के पुत्र के साथ होता है जिसका नाम है आदित्य वर्मा। ये दोनों शासकों के पहले शासनकाल की स्थिति होती, तो ये इनका पुत्र होता है और ये पुत्री होती है और उस विवाह होता है। तो इसका मतलब है कि पहले राजा के समय में इन दोनों के बीच वैवाहिक संबंध थे और काफी ही मृदुपूर्ण संबंध रहे हैं या व्यवहार रहा है। मौखर वंश का जो दूसरा शासक होता है वो आदित्य वर्मा होता है जो कि प्रथम शासक हरिवर्मा का उत्तराधिकारी होता है, और इसी समय कृष्णगुप्त का जो एक पुत्र होता है हर्षगुप्त होता है, कन्या का नाम हर्षगुप्ता होता है,
और पुत्र का नाम हर्षगुप्त होता है। अर्थात आदित्य वर्मा और हर्षगुप्त का जब शासन होता है तो इस समय हमने बताया कि हर्षगुप्त की बहन का विवाह आदित्य वर्मा के साथ किया गया है, इसलिए इन दोनों शासकों के भी शासनकाल में मौखर और उत्तरगुप्त में पारस्परिक संबंध या मृदु संबंध रहते हैं या रिश्तेदारी लगी रहती है। मौखर वंश का जो तीसरा शासक होता है वो होता है ईश्वर वर्मा, जो कि आदित्य वर्मा का पुत्र होता है। और इसी समय उत्तर गुप्त में जो शासक होता है वो होता है जीवित गुप्त। हर्ष गुप्त का जो पुत्र होता है उसका उसका जो नाम होता है वो ये हर्षगुप्त का जीवित गुप्त पुत्र होता है और इसकी कन्या का नाम होता है उपगुप्ता। जीवित गुप्त की पुत्री का नाम होता है उपगुप्ता और इसका विवाह ईश्वर वर्मा के साथ होता है। इसका जो विवाह होता है वो ईश्वर वर्मा के साथ होता है। तो इस प्रकार से हर्षगुप्त के शासनकाल में जीवित गुप्त की पुत्री का विवाह ईश्वर वर्मा के साथ होता है, तो ये दोनों भी पारस्परिक रिश्तेदार या संबंधी होते हैं। तो हम पाते हैं कि तीन राजाओं के शासनकाल में जो कि लगभग 550 ईस्वी के आसपास तक चलता है, इन शासनकाल में मौखर और उत्तर गुप्त राजवंश के बीच में पारस्परिक वैवाहिक और मित्रतापूर्ण संबंध पाए जाते हैं। यद्यपि कि दोनों राजवंश उस समय अपनी शक्ति के विस्तार में लगे रहते हैं, लेकिन दोनों चूंकि एक दूसरे के महत्व को समझते हैं और तीन पीढ़ियों तक ये आपस में एक दूसरे के साथ संबंधों से जुड़े रहते हैं। लेकिन इनके बीच चौथी जो पीढ़ी आती है वहां से जो मित्रतापूर्ण संबंध है वो संघर्ष की स्थिति में बदलता है। छठी शताब्दी के मध्य वही 550 ईस्वी के बाद मगध का जो शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य है वो छिन्न भिन्न हो जाता है और उत्तर भारत में घोर अराजकता और अव्यवस्था फैलती है। विभिन्न भागों में उस समय उत्तर भारत के नई नई शक्तियां उत्पन्न होती हैं या वो अपने को स्वतंत्र घोषित करती हैं। इसे मौखर और उत्तरगुप्त राजवंश चूंकि अब चौथी पीढ़ी में वो स्वतंत्र स्थिति में पूरी तरह से आ जाते हैं, जब ये सिद्ध होती है तब वो लगभग सामंत की स्थिति से मुक्त होते हैं लेकिन बहुत पहचान नहीं बना पाते हैं। तो चौथी जो पीढ़ी होती है उस समय वो पूर्ण राज्य को प्राप्त करते हैं और इसी समय ये अपने पूर्ण स्वतंत्रता को घोषित करते हैं। चौथी पीढ़ी के दोनों शासक महाराजा धीराज की उपाधियों को ग्रहण करते हैं और साम्राज्य विस्तार में लग जाते हैं। साम्राज्य विस्तार में लग जाने के कारण उसी समय से चौथी पीढ़ी दोनों एक दूसरे की प्रतिद्वंदी हो जाती है और तीन पीढ़ियों से जो चला आ रहा मैत्री संबंध होता है वो संघर्ष में बदलता है। क्योंकि दोनों ही राजवंशों का उद्देश्य अपनी अपनी शक्ति का विस्तार करके भारत का चक्रवर्ती साम्राट बनने की होती है और यही इनके संघर्ष का कारण बनती है। तो इस प्रकार से दोनों राजवंश में चौथे पीढ़ी से संघर्ष की स्थिति प्रारंभ होती है। तो हम अब इसमें चौथी पीढ़ी पर देखते हैं तो हम पाते हैं कि मौखर और उत्तरगुप्त के बीच में जो चौथी पीढ़ी होती है उनसे जो संघर्ष प्रारंभ होता है तो उन चौथी पीढ़ियों का क्या नाम होता है। तो हम जो चौथी पीढ़ी में पहला मौखर शासक पाते हैं उसका नाम होता है ईशान वर्मा। ये चौथी पीढ़ी का या नंबर चार का शासक मौखर वंश का होता है और इसी समय उत्तर गुप्त में जो शासक बनता है वो बनता है कुमार गुप्त।
और यही ऐसा समय होता है जब दोनों में संघर्ष की स्थिति प्रारंभ होती है। अफसरगढ़ के लेख में इन दोनों के बीच संघर्षों का वर्णन काव्य के रूप में पाया गया है, जिसके अनुसार ईशान वर्मा की सेना ने कुमार गुप्त की सेना को पराजित किया था। जो उसका भाव निकलता है उसमें यही है कि ईशान वर्मा की जो क्षीर सागर के समान विशाल सेना को कुमार गुप्त की सेना ने उसी प्रकार से मत डाला था जैसे कि देवासुर संग्राम में देवताओं और राक्षसों ने मदिराचल पर्वत से क्षीर सागर को मथा था। तो इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि चौथी पीढ़ी के संघर्ष में कुमार गुप्त विजयी होता है, अर्थात अफसत के लेख में इसके जीत की प्रशंसा के बारे में लिखा गया है। तो इस युद्ध में कुमार गुप्त विजयी होता है और यह परिणाम कुमार गुप्त के पक्ष में जाता है। कुमार गुप्त की इस विजय से मौखर साम्राज्य की जो साम्राज्यवादी नीति होती है या उनकी आशाएं होती हैं उस पर पानी फिर जाता है और कुमार गुप्त का मगध पर अधिकार हो जाता है और इस प्रकार से उत्तर भारत में उसकी सत्ता को चुनौती देने के लिए कोई दूसरा राजवंश नहीं होता है। अफसत के ही लेख से पता चलता है कि प्रयाग में उसकी मृत्यु हो जाती है और उस समय इसका मतलब है कि प्रयाग का जो भाग है वो कुमार गुप्त के अधीन होता है। इसके पश्चात ईशान वर्मा का पुत्र शर्व वर्मा कन्नौज का शासक बनता है। ये पांचवी पीढ़ी होती है जिसमें कि शर्व वर्मा कन्नौज का शासक बनता है और इसी समय कुमार गुप्त का पुत्र दामोदर गुप्त उत्तर गुप्त वंश का शासक बनता है। और इस पीढ़ी में शर वर्मा अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए अपने प्रतिद्वंदी राजा दामोदर गुप्त पर आक्रमण करता है। अपसद के लेख में इन दोनों के बीच में युद्ध का वर्णन पाया जाता है और इस लेख के अनुसार दामोदर गुप्त इस युद्ध में युद्ध भूमि में मूर्छित होता है। इसका जो भावार्थ है अपसद के लेख में वो बताया जाता है कि दामोदर गुप्त युद्ध भूमि में मूर्छित होता है और फिर शूरवधुए उसे अपने पति के रूप में चुनाव करती हैं और उनके पाण पंकज से वो जाग जाता है। तो इससे यह प्रतीत होता है कि युद्ध भूमि में दामोदर गुप्त का जो मूर्छित होना है उसका अर्थ है कि वो युद्ध भूमि में मृत्यु को प्राप्त होता है या मारा जाता है और शूरवधुओं द्वारा अर्थात युद्ध में मारे जाने के कारण उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस युद्ध में जो परिणाम होता है वो शर्व वर्मा के पक्ष में जाता है। क्योंकि कुछ लेखकों ने कहा कि शूरवधुओं द्वारा उसका जो है पाण ग्रहण किया जाता है इसका मतलब वो युद्ध में विजयी होता है, लेकिन जो भावार्थ है वो उसके पक्ष में लिखते हुए उसे यही दिखाया है कि शूरवधु अर्थात अप्सराएं उसे अपने पति के रूप में ग्रहण करती हैं जो कि मृत्यु के बाद ही संभव होता है। उसकी मृत्यु के भाव को इस रूप से काव्यात्मक रूप से दर्शाया गया है, लेकिन कुल मिलाकर के जो उसका भावार्थ है वो दिखाता है कि इस युद्ध में दामोदर गुप्त मारा जाता है और विजय श्री मौखर नरेश शर वर्मा के पक्ष में जाती है। इसके द्वारा मगध के ऊपर मौखरियों का पुनः अधिकार हो जाता है और शर वर्मा के मगध पर जो अधिकार की पुष्टि है वो देवबर्ना के भी लेख से होती है, जिसके अनुसार उसने वार्णिक नामक गांव बिहार के शाहबाद जिले में स्थित है उसको उसने दान में दिया था।
चूंकि यह स्थान पहले मगध क्षेत्र में ही पड़ता है, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि मगध के मौखरियों का आधिपत्य इस क्षेत्र पर उत्तर गुप्तों को हराने के पश्चात हो गया था। और मगध पर मौखरियों का आधिपत्य हो जाने से उत्तर गुप्तों का उस समय का जो शासन है पांचवी पीढ़ी का, वो मालवा क्षेत्र तक ही सीमित होता है। अर्थात जो उत्तर गुप्त शासक मगध और मालवा के शासक माने जाते हैं या कहे जाते हैं पांचवी पीढ़ी में, वो केवल मालवा क्षेत्र तक सीमित होते हैं। और इसके बाद दामोदर गुप्त का जो पुत्र और उसका उत्तराधिकारी होता है वो महासेन गुप्ता होता है, जिसे कि मालव राज भी कहा गया है। ये छठी पीढ़ी का जो शासक होता है महासेन गुप्ता, ये केवल अब मगध से हट करके केवल मालवा का पुत्र गुप्त वंश का शासक रह जाता है। और इसी समय शर वर्मा का पुत्र अवंती वर्मा मौखर क्षेत्र का या मौखर वंश का शासक होता है। ये छठी पीढ़ी होती है और उत्तर गुप्त का प्रतिद्वंदी महासेन गुप्ता इस समय इसका प्रतिद्वंदी होता है। इन दोनों के बीच कैसे संबंध थे ये इतिहास में नहीं मिलता है, लेकिन ये दिखाया गया है कुछ इतिहास में सच के रूप में कि महासेन गुप्ता अपने छठे शासन काल में, अपने पीढ़ी के छठवें शासन काल में अवंती वर्मा के अधीन या उसकी अधीनता को स्वीकार करता है। हर्ष चरित्र में भी अवंती वर्मा को एक शक्तिशाली शासक बताया गया है। इसी प्रकार से विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस से ही पता चलता है कि अवंती वर्मा ने पूरों को परास्त किया था। और इस समय महासेन गुप्ता महाराजाधिराज की उपाधि को धारण नहीं करता है, जिससे इस बात का सूचना मिलती है कि महासेन गुप्ता अवंती वर्मा के अधीन रहता है। और महासेन गुप्त द्वारा अपनी बहन महासेन गुप्ता का विवाह इसी समय थानेश्वर के वर्धन राजा राज्यवर्धन प्रथम के साथ किया जाता है, जिसके पुत्र प्रभाकर वर्धन होते हैं। तो उस समय महासेन गुप्त द्वारा वर्धन वंश या थानेश्वर के वर्धन वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित करने का मतलब है कि महासेन गुप्त बहुत कमजोर स्थिति में होता है और वर्धनों के मित्रता को ग्रहण करने के लिए वो वर्धन वंश में अपनी बहन का विवाह करता है। तो इस समय इन दोनों के बीच में कोई ऐसे संबंध नहीं पाए जाते हैं और यही माना जाता है कि महासेन गुप्त उसकी आधीनता को स्वीकार करता है। अवंती वर्मा के बाद मौखरी वंश का जो शासक होता है वो होता है ग्रह वर्मा या ग्रह वर्मन। और इसी समय उत्तर गुप्त वंश का जो शासक होता है वो महासेन गुप्त की मृत्यु के पश्चात देवगुप्त नामक एक व्यक्ति शासक होता है। देवगुप्त के बारे में यह स्पष्ट सूचना नहीं मिलती है कि वो महासेन गुप्त का ही पुत्र होता है या नहीं होता है। इस समय ग्रह वर्मा का जो विवाह होता है वो वर्धन वंश के शासक प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री के साथ होता है। और मौखरियों का उस समय वर्धन वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता है। लेकिन इसी समय उत्तर गुप्त का जो देवगुप्त होता है वो गौड़ नरेश या गौड़ शासक शशांक से संधि करता। जो देवगुप्त है वो बंगाल या गौड़ क्षेत्र के शासक शशांक से व्यवहार करता है और ग्रह वर्मा का विवाह वर्धन वंश की कन्या से होता है। तो हम पाते हैं कि इस समय दो गठजोड़ अलग अलग बन जाते हैं। और इसी समय देवगुप्त शशांक की सहायता से कन्नौज पर या मौखर वंश के शासक ग्रह वर्मा के ऊपर आक्रमण करता है और इस आक्रमण में वो ग्रह वर्मा की हत्या कर देता है। और ग्रह वर्मा इस प्रकार से मौखर वंश का अंतिम शासक सिद्ध होता है, क्योंकि इसका कोई उत्तराधिकारी
नहीं होता है और इसकी मृत्यु के पश्चात कुछ समय के लिए कन्नौज पर देवगुप्त का शासन हो जाता है। इसके बाद हम आपको अगले जब क्लास में चलेंगे तो बताएंगे कि वर्धन वंश का चूंकि ये रिलेटिव होता है या रिश्तेदार होता है और देवगुप्त द्वारा हत्या करने के फलस्वरूप वर्धन वंश से इसकी शत्रुता किस रूप में चलती है। तो हम देखते हैं कि दोनों वंशों में प्रथम चरण में तीन पीढ़ियों तक जो है मैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं, लेकिन तीन पीढ़ियों के बाद अंतिम समय तक दोनों में ही शत्रुतापूर्ण संघर्ष होते हैं या उनमें संघर्ष की स्थिति चलती है और लगभग एक ही समय में दोनों राजवंशों के बीच संघर्ष समाप्त होता है और इसके साथ ही लगभग दोनों राजवंशों का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है और यही दोनों के संघर्ष के फलस्वरूप इनके अस्तित्व समाप्त होने के कारण भारत में वर्धन वंश का उदय होता है और इसके बाद से भारत को एकता के सूत्र में वर्धन वंश द्वारा बांधा जाता है। तो अगले क्लास में हम वर्धन वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।